धर्मशाला में खेले गए न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेले जा रहे मैच में कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। किसने भी ये वाक्या देखा, सबकी आंखों में आंसू आ गए। क्रिकेट का एक ऐसा दौर जिसमें डिज्नी प्लस हॉट स्टार ने भी एक ग्लोबल रिकॉर्ड बना दिया। अभी तक डिजिटल स्ट्रीमिंग पर इतनी व्यूअरशिप नहीं देखी गई जितनी इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड मैच में देखी गई। इस मैच ने इंडिया वर्सेज पाकिस्तान छोड़ दिया। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड मैच में 39वां वनडे शतक चूकने के बाद विराट कोहली भी निराश नजर आए। उन्होंने आसमान की तरफ सिर किया और जोर से चीखे। विराट कोहली ने 104 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों के साथ 95 रनों की पारी खेली। विराट की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में 20 साल बाद 4 विकेट से हरा दिया। विराट जानते थे कि उनके पास शतक बनाने का सुनहरा मौका था और अक्सर विराट ऐसे मौके चूकते नहीं हैं। मैच हेनरी 48वें ओवर की 4थी गेंद लेकर आ रहे थे और भारत को जीत के लिए केवल 14 गेंद पर 5 रन बनाने थे। धीमी गेंद विराट के स्लॉट में थी लेकिन बल्ला हाथ से मुड़ गया। ग्लेन फिलिप्स ने डीप मिड विकेट में कैच पकड़ लिया। एक पल को विराट को यकीन नहीं हुआ कि वह आउट हो चुके हैं। 140 करोड़ देशवासियों का दिल टूट गया। निराशा विराट के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, पर विराट ने भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में 354 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। विराट का एवरेज 118 का है। इस वर्ल्ड कप में विराट के बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक आ चुके हैं। भारत 274 का टारगेट चेज कर रहा था। 11.1 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन का था। जब मैदान पर विराट कोहली की एंट्री हुई तब हिटमैन ने 40 गेंद पर 4 चौकों और 4 छक्कों के साथ 46 रन बनाकर भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दे दी थी। जब विराट 6ठे विकेट के तौर पर आउट होकर वापस गए तब भारत को जीत के लिए 14 गेंद पर सिर्फ 5 रन बनाने थे। यह बताता है कि विराट कोहली को दुनिया चेज मास्टर क्यों बुलाती है। सबसे पहले विराट ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 47 गेंदों पर 52 रन जोड़े। फिर केएल राहुल के साथ चौथे विकेट के लिए 68 गेंदों पर 54 रन की साझेदारी की। अंत में रविंद्र जडेजा के साथ 6ठे विकेट के लिए 73 गेंदों पर 78 रनों की साझेदारी बनाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और विराट कोहली को और टीम इंडिया को मैच विनिंग इनिंग की बधाई दें।